टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप हमारे पीछे जो तैयारियां देख रहे हैं, दरअसल ये जमात इस्लामी हिंद के तरफ से ये तैयारियां जो है शुरू की गई हैं। ये जहां पर हम खड़े हैं, ये दरअसल तनवर नगर पुराना पेट्रोल पंप है और यहां पर 30 अक्टूबर की शाम 6 बजे मगरिब के बाद जो है यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मेरे नबी मेरे कायद। दरअसल यहाँ पर जो है देश भर से जो है बड़े बड़े मौलाना यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी जो है दीनी जो है तकरीरें यहाँ पर की जाएंगी। ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको बता दें कि ख़ास तौर पर जो बंदोबस्त किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस तरफ का ये जो एरिया है यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है महिलाओं के लिए किया गया है कि यहाँ पर महिलाएँ जो है बैठेंगी। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, यहाँ पर जो है जेंट्स के लिए ये रखा गया है। और हमारे साथ जो है यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद के जो है मुमरा कौसा के जो प्रेसिडेंट हैं सैफुद्दीन आसरे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे नबी मेरे कायद इस कार्यक्रम के बारे में हम उन्हीं से ज़्यादा जानकारी लेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम है यहाँ पर। मेरे नबी मेरे कायद ये कार्यक्रम जो है जमात इस्लामी के तरफ से रखा गया है और बंदोबस्त भी यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से है। इस तरफ जो है महिलाओं के लिए है, इधर जेंट्स के लिए है। जमात इस्लामी का जो कार्यक्रम होता है और जो काम है वो भी काफ़ी सराहनीय है। बहरहाल आपके तरफ से जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कल इंशाल्लाह कल शाम 6:30 बजे यहाँ पर मेरे नबी मेरे कायद ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम जो है वो, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है, उसके अंदर जो है मुसलमान जो है वो नबी के ताल्लुक़ से बहुत जो है वो दिल से लबरेज होते हैं, प्यार से उनके डूबे हुए। तो हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो कायद है हमारे, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। और यही मार्गदर्शन देने के लिए मुख्तलिफ उलमा इकराम बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पर। इसमें से इंशाल्लाह उबैदुल्ला खान आज़मी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, जो एक्स MP रह चुके हैं। मौलाना वलीउल्ला फलाही साहब आ रहे हैं दिल्ली से, वो जमात इस्लामी की सेंट्रल लीडरशिप है। मौलाना हुज़ैफ़ा कासमी साहब आ रहे हैं, वो जो है जमात उलमा की जो है लीडरशिप है। इसके अलावा जो अली असगर हैदरी जो ऑल इंडिया शिया फेडरेशन के, वो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। और जो है वो मौलाना फैसल मदनी साहब जो है वो तशरीफ ला रहे हैं। प्रोफेसर जावेद शेख साहब, इन सब का जो है यहाँ पर खिताब होगा और ये रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, किस तरह का ये प्रोग्राम रहेगा यहाँ पर, क्या जानकारियाँ दी? ये प्रोग्राम, इसके अंदर तकरीरें रहेगी और जो है लोगों से अहद लिया जाएगा कि ये हर मुकर्रर जो है वो एक जिस ताल्लुक़ से वो बयान कर रहे हैं वो लोगों से ये अहद लेंगे कि इंशाल्लाह जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में ये एक तब्दीली हम इंशाल्लाह लाएंगे। इस तरह का ये प्रोग्राम है। आसरे सर, ये भी देखा जा रहा है कि जो बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, क्या ये सही है? इधर लेडीज़ों के लिए बंदोबस्त किया गया है, इधर जेंट्स के लिए है? जी बिल्कुल, जो है हमारे प्रोग्राम जो है जमात इस्लामी के सब के लिए होते हैं। तो ख़वातीन हमारे समाज का जो है 50% है, तो उनका भी इंतज़ाम है यहाँ पर। आप देख रहे जो है, बल्कि 60% जो है जगह जो हमने ख़वातीन के लिए छोड़ी है, ताकि जो है वो उनको ये सहमत ना हो, अगर ज़्यादा लोग हो तो बाहर खड़े नहीं रहना पड़े और वो आसानी से बैठकर देख सके। और इंशाल्लाह उनको आने जाने का रास्ता भी हम अलग से यहाँ से अलग से बना रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये सेपरेट रहेगा और बीच में जो पर्दा रहेगा उनका अलग, आराम से वो जो है वो बिला झिझक बैठ सकती है, ऐसा इंतज़ाम है इंशाल्लाह यहाँ पर। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से क्या, बस आप आए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली के औरतों को, नौजवान बच्चे बच्चियों को, सबको साथ में लेके आए। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके है, सबको आना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। आप सबका ये प्रोग्राम है, जमात इस्लामी तो आपकी खिदमत के लिए ये सिर्फ अरेंज कर रही है। तो कल 6:30 बजे के वक्त तनवर नगर पुराना पेट्रोल पंप, आप जो ये जगह देख रहे हैं यहीं पर मेरे नबी मेरे कायद ये प्रोग्राम यहाँ पर जो है रखा गया है। और जो इंतज़ाम किए गए हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। महिलाओं के लिए अलग है और जेंट्स के लिए जो है वो बैठने का जो है बंदोबस्त अलग किया गया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आप सभी लोग इस यहाँ पर पहुँचें और इस कार्यक्रम में पहुँच कर जो तकरीर है वो सुने और उस पर अमल करें। कैमरा मैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।